नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल किचन स्वाद का। तो आज के किचन स्वाद का में जो स्वाद होगा बिल्कुल मीठा होगा और थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा चटपटा। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी डिश बताने जा रहे हैं जिसको बनाएंगे तो मजा आ जाएगा। आपने गुजराती समोसे बहुत खाए होंगे, मगर हम आज आपको गुजराती समोसे की स्टाइल का चना दाल समोसा बनाएंगे, मगर कैसे बनेगा ये बताएंगे हम अपने किचन में। और हमारी इस डिश को बनाएंगी आज हमारी मौसी जी, फिर से आपको एक नई डिश वो देने वाली है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो हमने चने की दाल को साफ करके 7 से 8 घंटे के लिए भिगो करके रख दिया था। हमारी दाल भीग कर तैयार हो गई है। अब हम इसे बॉईल करेंगे। हमने 200 ग्राम दाल ली थी, अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। इसमें एक छोटा ग्लास पानी डालेंगे और हमारी दाल उबलने को हो गई रेडी और कुकर बंद होने को हो गया तैयार। अब आएगी सीटी। हमें इसे पूरी तरह से नहीं पकाना है, हम इसमें केवल एक सीटी आएगी और हम इसे बंद कर देंगे। और कुकर ने मार दी दाल को सीटी और दाल हो गई तैयार। तो गैस को करेंगे ऑफ। तो हमने दाल को पानी से अलग कर लिया है, अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। हमने दाल को ठंडा कर लिया है, अब इसे मिक्सर में थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे। तो हमने दाल को दरदरा पीस लिया है। तो हम दाल को मसालों के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक बड़ा चम्मच देसी घी लिया हमने। तो हमारा घी गरम हो गया है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम 1/2 टेबल स्पून जीरा लेंगे। जीरा हो गया है 1 टेबल स्पून सौंफ, उसको हल्का सा कूट लेंगे। खड़ा धनिया, इसे भी कूट लिया है 1 टेबल स्पून। अब इसमें हम दाल को डाल देंगे। इसे मीडियम लो फ्लेम पर भूनना है। जब ये अच्छे से भून जाएगा फिर हम इसमें बाकी मसालों को मिक्स करेंगे। बहुत ही लाजवाब खुशबू आ रही है। करीब 10 मिनट के लिए हमने दाल को भूना है। हमारी दाल बहुत अच्छे से भून गई है, देखिए बिल्कुल ड्राई हो गई है ये, है ना। अब बाकी मसालों को हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1 टेबल स्पून हींग, जैसे कि हम कच्चा ही डाल रहे हैं। 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर। इसको भी हम दाल में बहुत ही प्यार से मिक्स कर लेंगे। कुछ रेसिपियां ऐसी होती है ना जिन्हें बड़े प्यार से बनाया जाए तो उसको खाने का मजा ही अलग होता है, क्योंकि उससे ज्यादा मजा जो हमने उस बनाने में प्यार दिया है ना उसका होता है। अब इसमें हम अपनी किचन के मिस्टर नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। वैसे हमने इसमें 1 टेबल स्पून नमक यूज किया है। अब हम गैस को करेंगे ऑफ और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। तब तक हम समोसे का डो तैयार कर लेंगे। तो डो तैयार करने के लिए हमने 1 कटोरी मैदा लिया हुआ है, करीब 250 ग्राम। अब इसमें अजवाइन डालेंगे हाथ से थोड़ा सा क्रश करके।
दो टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, और इसे मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके डो तैयार करेंगे। पानी जरूरत अनुसार ही डालेंगे। हम डो को थोड़ा टाइट तैयार करेंगे। डो तैयार हो गया है, अब इसे 10 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे या फिर सूती कपड़े से लपेट करके ढक देंगे। तो हमारा मसाला भी ठंडा हो गया, हमारा डो भी तैयार हो गया। तो मसाले में दो चीजें रह गई थी जो कि ठंडा होने के बाद डालनी थी। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून पिसी हुई शक्कर या फिर बूरा शक्कर ये ऐड करेंगे। और 1 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर, और इसे मिक्स कर देंगे। मसाले तो बहुत ही जबरदस्त तैयार हुआ है। समोसा तो छोड़िए, मेरा मन तो मसाला ही खा लेने का हो रहा है, लेकिन समोसे का इंतजार करेंगे। तो 10 मिनट हो गए हमें अपने डो को ढक करके रखे हुए। अब हम इसे निकाल करके थोड़ा सा फिर से गूंथ लेंगे और उसके छोटे छोटे पेड़े काटेंगे। तो इसी प्रकार से हमको सारे डो के पेड़ तैयार कर लेने हैं, और अब इनकी छोटी छोटी पूड़ियां बेल ली जाएंगी। इसे हम लंबी पूड़ी बेलेंगे क्योंकि बीच से इसे हम दो टुकड़े में करेंगे। हमारी एक पूड़ी में दो मिनी समोसे तैयार होंगे। इनकी किनारी पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे और उसे, जैसे समोसे को आलू भरते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमें अपना दाल का मसाला इसमें भरना है। और इसमें मसाले को भरेंगे, और एक किशमिश का टुकड़ा इसी में हम रख देते हैं, और किनारी पर पानी लगा करके इसे हम बंद कर देंगे। बहुत ही साधारण तरीके से बंद किया जाता है ये। ये लीजिए, बस ऐसे ही हमें अपने सारे समोसे तैयार कर लेने हैं। तो हमारे समोसे बन करके हो गए हैं रेडी। अब ये जाएंगे कढ़ाई में फ्राई होने के लिए। तो हमने कढ़ाई में रेगुलर ऑयल गरम कर लिया है, अब इसमें हम समोसे डालेंगे। ऑयल को बहुत गरम नहीं करना है, एक मध्यम आंच पर उसे गुनगुना कर लेना है ताकि हमारा जो समोसे का मैदा है वो धीरे धीरे अच्छे से पक जाए। फिर एक एक समोसे बड़े प्यार से कढ़ाई में डाल देंगे। अब तो मुझे बस इनके पक जाने का इंतजार है। तो मध्यम आंच पर इसे
धीरे धीरे पकने देंगे। जैसे जैसे धीरे धीरे पकेगा वैसा ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता जाएगा और ये खुसखुसा हो जाएगा और इसका एक सुनहरा सा कलर आने लगेगा। जैसे ही थोड़ा सा पकने के बाद इसकी सतह मजबूत होती है, इसे धीरे धीरे प्यार से पलट देंगे ताकि ये फूटने ना पाए। अब हमारे समोसे का कलर जो है वो सुनहरा होना शुरू हो गया है। गैस की फ्लेम को अब आप मीडियम लो कर लेंगे। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो हमारे समोसे जो थे वो सेक करके बिल्कुल तैयार हो गए हैं। देखिए कितने सुंदर कलर आया है, कितने प्यारे समोसे तैयार हुए हैं। अब इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। वाह भाई वाह, मजा आ गया। अब तो तैयार है हमारे चने की दाल के गर्मा गर्म प्यारे से सुनहरे से और टेस्टी समोसे गर्मा गर्म चाय के। तो कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नए नए वीडियो उन्हें मिलते रहें और वो वीडियो का आनंद लेते रहें। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।